अरे जी ये आ गया कपूरी पड़ी का रास्ता, तो पीछे से आता है टकाना साइड से। फोटो ये देखो और यहाँ से हमने एंट्री कर ली है। तो भाई जी ये बाबा मुखराम नाथ धाम है और यहाँ से देखो ये गेट आ चुका है पीछे वाला और ये हमने एंट्री कर ली। और ये देखो कुआ है यहाँ पे। और ये देखो बड़े का पेड़ कितना जबरदस्त है। यहाँ पे फोटो उतारेंगे और यहाँ पे देखो बोरिंग कर रहे हैं। और ये देखो बिल्डिंग अभी बनी है, ये गौशाला है क्या? धर्मशाला है। अच्छा ये गाय ये धर्मशाला है, कितनी बड़ी है। और ये देखो नंदी और गाय शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यहाँ पे। और ये गाय देखो गाय मोर 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 देखो गाइस कितना पास है मोर। और गाइस इसको तोड़ दिया। और ये देखो ये पुरानी धर्मशाला थी। और अभी हम आ चुके हैं पहाड़ी के अंदर। महाराज राम राम, महाराज राम राम। यहाँ पे निकाल देते हैं जूतों को। और भाई यहाँ से व्यू देखो आप, वो टॉप पे मंदिर है। और भाई ये बाग बगीचा है यहाँ पे। ये देखो भाई डॉगी कितना शेर वर्गा देखो। ये बगीचा पूरा अनार के पेड़ चिक्कू के पेड़। और गाइस जितने साधन हैं महाराज के हैं ये। और अभी चलते हैं आगे। और गाइस अभी हम जा रहे हैं गौशाला में। उस साइड है। और यहाँ पे रात को बनती है गाइज गाय माता। और ये बहुत बड़ी गौशाला है यहाँ पे। और गाइज ये देखो गौ माता यहाँ पे। और ये देखो गाइज बछड़े कितने प्यारे प्यारे। क्या नाम भाई इसका? बाबा बताओगे? बहुत ही बढ़िया नस्ल का भाई, शुद्ध नंदी। नंदी का क्या नाम है भाई? तो गाइस इस नंदी का नाम है बोलू। कुंभ देखो कितना भारी शरीर से देखो, इनके तो बच्चे भी जबरदस्त होंगे। तो इसके सिर पे चांद का निशान है नंदी के। ये जो खुले माहौल और वो देखो, ये देख लो सारे और देखो खेल रहे हैं। भाग गया ये आराम से बैठा हुआ है। और गाइस ये रास्ता देखो, ये रास्ता शायद गांव में जा रहा है उधर। और यहाँ से व्यू देखो आप, ये पीछे का साइड है।
फसल बहुत सुधार के ऊपर बढ़िया काम हो रहा है। और ये गाय देखो गाइस, तो गौशाला तो हमने देख ली और अभी हम जा रहे हैं फिर से मंदिर के अंदर और यहाँ पे एक फोटो उतारते हैं। तो गाइस ये जो बगीचा था यहाँ पे देखो बेलगिरी लगी हुई है, देखो पास से तो आपको पास से दिखाते हैं बिल्कुल। ये देखो गाइस बेलगिरी। और गाइस ये बगीचा है, यहाँ पे गर्मियों में आम भी लगते हैं, चीकू आम पपीते अमरूद सभी पेड़ हैं यहाँ पे। और ये देखो डोगी इंसेंटिव डॉग, चलो डर लगता है इससे। तो यहाँ पे काम चल रहा है मंदिर के अंदर। और जो बगीचा है इसका मेन द्वार यही है बगीचे का। और ये देखो गाइस ये मोर, और गाइस ये देखो बड़का पेड़ कितना बड़ा, और ये तालाब है साइड में। ये तालाब है गाइस और ये साथ में बड़का पेड़ है और ये बन रही है बहुत बड़ी धर्मशाला। यहाँ पे काम चल रहा है अभी। तो गाइस अंदर से देखते हैं धर्मशाला को, कितनी लंबी चौड़ी है ये। ओ तुरु तो ये देखो गाइस कितनी बड़ी है, कितने पंखे लगे हुए हैं। तुरु तो इतनी बड़ी धर्मशाला, ये देखो गाइस कितनी बड़ी धर्मशाला है। और यहाँ पे पर लगा रहे पत्थर अंदर, और यहाँ पे देखो टाइल लगा। तो गाइस यहाँ से रास्ता ऊपर जाने का, और यहाँ पे अभी काम चल रहा है यहाँ पे, देखो दिखाते हैं आपको। और ये देखो पत्थर होगी शायद, देखो पूरे पत्थर को काट काट के बनाते हैं, देखो ऐसे। ये देखो और यहाँ से व्यू देखो आप गाइस, कितना जबरदस्त व्यू है। और ये देखो ये भैया काम लगे हुए हैं यहाँ पे, और अभी हमको जाना है वहां पे, तो वहां पे चलेंगे गाइस उधर। यहाँ से भी देखो आप, और अभी हम जा रहे हैं ऊपर, तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर ऊपर जा रहे हैं अभी। यहाँ पे घंटा लगा हुआ था गाइस, और अभी देखो, और अभी हम जा रहे हैं ऊपर। और ये देखो ये पत्थर है पहाड़ का बिल्कुल। और यहां से देखो गाइस, और अभी तो और भी ऊपर जाएंगे। देखो पत्थरों को लगा रहे हैं देखो ऊपर, तो अभी चल रहे हैं ऊपर। भैया तो गए वो गए,
तो चलो चलते हैं अभी। बहुत बड़ा पहाड़ है गाइस, ये देखो। ये देखो चिड़िया, चलो। चलो गाइस थक गए हैं बिल्कुल। तो गाइस ऊपर चढ़ते चढ़ते थक गए बिल्कुल, लेकिन चढ़ेंगे ऊपर तक। हम जब छोटे थे ना तब आते थे यहाँ पे, अभी तो मैं काफी दिनों में आया हूँ और रविंद्र मेरे साथ ही आया था। मैं तो कई बार आ चुका हूँ। ये देखो पानी के लिए रास्ता ये है, वो यहाँ का पानी कच्चा। अच्छा। देखो इस पाइप में से यहाँ से जाएगा पेड़ियों पर से ना जाके, देखो इन खालों में से बहेगा पानी। अच्छा, यहाँ से जाएगा पानी ये रास्ते। तो गाइस जो प्रसाद का पानी है वो यहाँ से जाएगा। ये सारा पहाड़ का पानी जो फैल, कितना ही पहाड़ का पानी है और ये खाली बनी हुई है, देखो यहाँ से जाएगा, इधर से जाएगा और यहाँ से व्यू देखो आप, कितना जबरदस्त व्यू है देखो आप। ये लगे हैं सीसीटीवी कैमरे और वहां से देखो, वहां से रास्ता है क्या रविंद्र? वहां से रास्ता। तो भाई यहाँ से भी देखो आप, कितना जबरदस्त पहाड़ लग रहा है, देखो कितना मस्त व्यू है देखो। और यहाँ से ये रास्ता भी देखो पेड़ियों का, ये रुकना मैं अभी आया बस, तो एक बार ऊपर चलते हैं गाइस। यहाँ से देखो कितना भीड़ा है, देखो कितना भीड़ा पेड़ा है। और यहाँ पे महाराज बैठते हैं, जय हो महाराज की। और ये देखो भाई टॉप पे आ चुके हैं, टॉप वाले मंदिर पे। तो ये माता का मंदिर है और यहाँ से भी देखो आप, दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ से देखो गाइस, कितना जबरदस्त व्यू हो जाए, देखो देखो गाइस। और वो वहां पे देखो मंदिर का कार्य चल रहा है, बिल्कुल पत्थर लग रहे। और वो जो धर्मशाला थी वो देखो, और वो रेड वाली वही है। और भैया उधर है तो चलो चलते हैं। और वो जो फ्लाईओवर है देखो, वो दिख रहा, देखो फ्लाईओवर। तो अभी चल रहे नीचे गाइस। तो अभी चल रहे नीचे गाइस, ज्यादा हाइट पे आ गए हम। मेरे को यहाँ पे आए हुए शायद एक या दो साल हो लिए हैं, दो साल पहले आया था मैं। तो अभी चल रही है नीचे, चलो गाइस। तो यहाँ से है पेड़ी, धूणा श्री सिद्ध बाबा पालनाथ जी महाराज। और अभी और ये देखो गाइस, ये यहाँ से पेड़ा है, यहाँ से नहीं है, ये वहां से पेड़ा है। और फिर यहाँ से नीचे जाने का रास्ता, हाँ वो वहां से है। तो अब यहाँ से चलते हैं। और ये देखो गाइस, ये बड़े वाला घंटा है ना, ये दूसरे वाला है। हाँ, तो ये अलग है। बजा दूं? बजाना नहीं है। हाँ श्री महाराज आ जाएंगे यहाँ पे। एक दिन मैंने था गाइस, छोटा था तब, तो सभी महाराज भाग के आ गए। देखो गाइस कितना नीचा है, देखो बिल्कुल खड़ी पैड़ी है, तो आराम से चलना पड़ेगा धीरे धीरे। चलो तो कहाँ पे? अच्छा, तो वहां पे लंगर लगा हुआ देखो खाने का।
जाते हैं नीचे, और यहाँ पे लंगर लगा हुआ गाइस, जिसको भी खाना खाना हो वो यहीं पे खा लेते हैं, वहाँ पे लगा हुआ। तो रास्ता वो रहा वो। अच्छा हाँ, अगर किसी के 100 किलोमीटर से आया तो कोई हाँ, वो खाना खाएगा यहाँ पे? हाँ ठीक है। अच्छा तो भाई हम यहाँ से गए थे गोल गोल घूमते हुए और फिर वहां से आए हैं। अच्छा उसका रास्ता कहाँ से है? देख रविंद्र वहां पे वो बनाएंगे शिवलिंग। हाँ नहीं ये झंडा लगाने की जगह है, शायद शिवलिंग भी हो उसका भाई। बनावट देखने की डिजाइन देख, कितना जबरदस्त डिजाइन है। तो भाई जी देखो पत्थर का डिजाइन है सारा, जितना भी डिजाइन है ये। तो भाई अभी आप साइनेमेटिक शॉट एंजॉय करो कुछ देर के लिए। अभी चलते हैं घर, मंदिर में तो हम घूम लिए हैं। तो भाई जी ये था ऊपर जाने का मेन द्वार, और एक रास्ता वो गाइस जो रामनगर से होता हुआ आता है, तो यहाँ से तो हम आए नहीं, हम आए थे पीछे से, और ये लगा रखी बोरिंग। भैया ने स्कूटी ले ली है। भाई ले आया गन्ने, कैसे हैं मिठे क्या?
चलो तो स्कूटी का मोड लेते हैं। तो गाइस हम आए थे पक्के रास्ते से और जा रहे हैं अभी कच्चे रास्ते से डाणे होते हुए। ये देखो फूल कितने पीले पीले फूल है। अभी आ गया कच्चा रास्ता, ये कहाँ जाएगा डाणी में सीधा टिकट काट जाएगा फिर डाणी आएगी। हाँ ये पक्का रास्ता है, ये कच्चे से पक्का रास्ता। अच्छा, जो फ्लाई ओवर था उसके नीचे से जो रास्ता दिखाया था आपको, ये वही रास्ता पक्का रास्ता जो उसके नीचे से जाता है। भाई दादी ये बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है? हाँ लाइक करना शेयर करना, लाइक शेयर और कमेंट। तो ये पहाड़ी है हमारे घर से पड़ती है पूरी 6 किलोमीटर। अब और ये देखो गाइस कितनी ज्यादा जबरदस्त अमर पेड़ है, देखो पूरे पेड़ को घेर रखा है इसने, इतना जबरदस्त। टकान, अगर गाइस आपको कभी भी कपूरी पहाड़ी में आना हो तो डाणी टकान और फिर टकान से रास्ता आएगा कपूरी पहाड़ी का, या फिर आप जाओ रामनगर से, रामनगर के बिल्कुल पास में ही है कपूरी पहाड़ी। डोगी देखो डोगी, ये आ गया डाणी का बाबा जोतनाथ का मंदिर, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी इसकी मंदिर की। और ये देखो घास लेके आई है गाय भैंसों के लिए, और ये देखो द्वार, मंदिर का द्वार, और ये आगे रेलवे फाटक, और अभी जो दादरी का रोड है मेन रोड है, और गाइस अभी आगे डाणी। ये वही फ्लाई ओवर जहाँ पे हम लोग बनाते थे, और ये देखो ये नया फ्लाई ओवर, ये अंडर पासिंग है, और हम वहां से गए थे और अभी आए इस रोड पर से हैं। तो भाई जब यहाँ से गए थे हमारी स्कूटी यहाँ से उठा के ले गए थे, और अभी आए पीछे से, और ये देखो नया फ्लाई ओवर, ये पूरे बिम बना दिए यहाँ पे, पिलर के पिलर उठा दिए हैं, और यहाँ पे भी हम लोग बनाने आते थे। और उस तरफ तो है चंडीगढ़, और उस तरफ है जयप, तो ये जयपुर से चंडीगढ़ हाईवे है 152D, और ये देखो अभी काम चल रहा है इसका। और ये लगा दिए खंभे बिजली के,